मोरी गागर फोड़ी पानिया भरत मोरी गागर फोड़ी नाहक बहिया मरोरी झक डगर चलत छेड़ो श्याम सकीरी। क्या हुआ देखिएगा इधर। अंशु जी कहते हैं जी आप उनका गुरु हैं, क्या अपने शब्दों से कहेंगे? ठीक है, मैं उसकी गुरु की तो मैं ही हूँ। हाँ। और उसके बाद जो है अपना गया गाना गाने लगा, हम तो यहाँ इसको वहाँ तक पहुँचा दिए थे। तो माता जी क्या वो अभी गीत गा रहे हैं, तो क्या एक गीत सुनाएंगे आप? मैं तो शास्त्रीय गान में ही सुना सकती हूँ। सुनाइए राग भैरवी का बता रही हूँ। हाँ बताइए। अगर चलत छेड़ो श्याम सखी, अगर चलत छेड़ो श्याम सखी, मैं तो दूंगी गाली निपट नारी, अगर चलत छेड़ो श्याम सखी। स्थाई ठीक है कि अंतर? या भारत लेवल पर हिमांशु गायक हो गए हैं, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आशीर्वाद देंगे हिमांशु को? और मैं तो यही कह रही हूँ कि भगवान जो है उसको पर कृपा बनाए रखे और ऊंचाई पर पहुँचाए। क्या लगता था हिमांशु कभी इतना शिखर पर पहुँचते, आपका मन था? हम तो सोच रहे थे अब हम अपना निराश हो गए थे एकदम। हाँ। लेकिन हिमेश बाबू ने ऐसा मेरे बच्चे को प्लेटफॉर्म दिया जो कि उन्होंने कृपा कर दी मेरे बच्चे को। हिमेश बाबू के लिए क्या कहेंगे? और दर्शकों के लिए भी मैं कहूँगी, दर्शक श्रोतागण के लिए भी मैं कहूँगी, उनके आशीर्वाद से ये पहले उनके आशीर्वाद से मतलब हिमेश बाबू को उसमें है ना जी। तो मैं यही कहती हूँ कि मेरी जनता जनार्दन जो है उस पर आशीर्वाद अपना ऐसे बनाए रहे, प्रेम बनाए रहे। जी जी। क्या नाम हुआ माता जी आपका? मेरा नाम हुआ ललित। देखिए गांव में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उस प्रतिभा को निखारने और तराशने की आवश्यकता होती है। और हिमांशु यादव में माँ सरस्वती का देन है कि गाना आवाज़ इतनी कर्णप्रिय है, इतनी मधुर आवाज़ है कि किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। और जिस प्रकार एक ग्रामीण परिवेश में रहते हुए संघर्ष करके बिहार से मुंबई तक अपनी आवाज़ पहचान अपनी आवाज़ से एक पहचान बनाई है, हम सब काफ़ी हर्षित और गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए आज जब मुंबई से प्रथम बार अपने गांव आए हैं तो हम सब उनको मान सम्मान अभिवादन बढ़ चढ़ के, सभी क्षेत्रवासी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सर हिमांशु एक सामान्य परिवार से आते हैं, बतौर आप समाज सेवी के नाते सरकार से क्या मांग करेंगे? देखिए मैं तो चाहूँगा कि हिमांशु को जिस प्रकार माँ सरस्वती ने अपनी आवाज़ दी है, बिहार सरकार के ऐसे ग्रामीण परिवेश में पलने वाले प्रतिभाओं को पहचानना पड़ेगा। और इस प्रकार के प्रतिभाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म कला संस्कृति मंत्रालय के तरफ से जो सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती है, बहुत सारी योजनाएं हैं, हिमांशु जी को भी वो सुविधाएं प्रदान होनी चाहिए। धन्यवाद। अपने मोहद्दी नगर क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे प्रतिभा छुपे हुए थे, आज इन्होंने मुंबई जैसे शहर में जाके फिल्म जगत में अपना नाम कमाया और अपना ही नाम नहीं अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। मैं सरकार से मांग करता चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम करें। जिन्होंने आज अपना अथक मेहनत करके और हमारे क्षेत्र का नाम जो है मुंबई तक पहुँचाए हैं, और उनको सींचने में जिन्होंने आज उनको जन्म दे करके और कर्म करने के लिए छोड़े हैं, पहले उन माताओं को जो है माता को जो है सो हम प्रणाम करना चाहेंगे कि वो जन्म दे करके और हमारे क्षेत्र का जो है नाम आज मुंबई तक पहुंचाने में जो है सो अपना अथी किए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए इनको कि आज ये फिल्म इंडस्ट्रीज में अपने गाना के माध्यम से आज वायरल हुए हैं, इस क्षेत्र को जो है बहुत बड़ा जो है अथी किए हैं आपके क्षेत्र। हम हिमांशु भाई को बहुत बहुत बधाई देंगे जो हमारे एक गरीब समाज के लड़का होकर एक अपने पंचायत प्रखंड और जिला के साथ साथ बिहार का नाम रोशन करने का काम किया है, तो उनको हम पहले ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देंगे। और ऐसा बहुत कम होता है, जो टैलेंट होता है वो बहुत कम होता है लेकिन उसको पहचानने वाला बहुत कम लोग होते हैं। जैसे ही लोगों पहले तो हम हिमांशु भैया को हम सोशल मीडिया से जाने और सोशल मीडिया से इनको आवाज़ और इनको टैलेंट को जाने, और इस प्रकार के टैलेंट देखने को बहुत कम मिलता है। और इस प्रकार से हमारे हिमांशु भैया पूरे पंचायत समाज और जिला का नाम बिहार का नाम रोशन किए हैं, तो एक हम लोग को अंदर से बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे एक गरीब समाज का लड़का एक सिंगिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छे ऊंचे स्तर पर मुकाम हासिल किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनीश गुप्ता है।